अभी हम लोग जस्ट गया जंक्शन पहुंच गए। 2 घंटे का जर्नी था पटना से, और यहाँ से महाबोधि टेम्पल करीब 10 किलोमीटर है। वो हम लोग ऑटो से, चलिए आपको आगे का सफर दिखाते हैं। बोधगया पहुंच गए हैं। बोधि टेम्पल का ये एंट्रेंस गेट है, और यहाँ पर अपना सब कुछ, बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस है। और दोस्तों, वियतनाम का जो मिनिस्ट्री है वहाँ का एक फेस्टिवल चल रहा है जो 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2022 तक चलेगा। आप लोगों का स्वागत है मेरे तरफ से, मैं अजीत कुमार। ये मंदिर जो आप लोग देखेंगे, ये मंदिर का पूरा नाम महाबोधि महाविहारा मंदिर है। तो महा का मीन्स होते हैं ग्रेट, महान, और बोधि का मतलब होते हैं नॉलेज, ज्ञान। और विहारा है जैसे, क्योंकि 3rd सेंचुरी BC में अशोक काल में मंदिर की और मूर्ति की निर्माण नहीं होती थी, विहार का निर्माण होता था। और विहार उस पैलेस को कहते थे जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, ध्यान करते थे, उसे विहार बोला जाता था। तो विहार है जो स्तूप सर। ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये मंदिर 2300 वर्ष पुरानी है, 2300 टोटल इसकी हाइट है, 180 फुट, 180 फुट और मीटर 52 मीटर्स, 52 मीटर्स। सबसे ऊपर जो टॉप में देखेंगे ना, लुकिंग दिस टॉप, वो 289 kg का सॉलिड गोल्ड है, जिसे आज से 9 साल पहले थाईलैंड किंग थे भूमि बॉल, उन्होंने उसे डोनेट किए थे 11 नवंबर 2013। इस मंदिर को 2 राजाओं ने मिलकर बनाया है। पहला 30 फीट तक इसे सम्राट अशोक जी के द्वारा बनाई गई है, उनका काल था 3rd सेंचुरी BC। तो आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक जी के द्वारा एक चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया गया था, चबूतरे टाइप का, वो मेडिटेशन करने के लिए, साधना करने के लिए। और ऊपर का 150 फुट और समुद्रगुप्त जी ने बनवाए थे 4th सेंचुरी AD में, 1600 साल पहले। 1205 AD में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस मंदिर को टॉप से 25 के डॉन में देखेंगे तो नया कंस्ट्रक्शन दिखेगा, वहाँ से तुलवाकर पूरे भाग को मिट्टी से ढकवा दिए। 600 बरस तक ये पूरी मिट्टी से दबी रही। फिर 1876 में यहाँ पर जैना लॉर्ड कैनिंगम आए, जेंडर कैनिंगम, जो ब्रिटिश के गवर्नर भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने इस जगह को खुदाई करवाया। खुदाई के दौरान ये मंदिर 0.5 किलोमीटर के एरिया में है, पूरे एरिया से 485 वस्तुएं पाए गए, जो किया हुआ है ना, कटोरी में केसर मिला हुआ, पानी और फ्लावर चढ़ा देते हैं जैसा चढ़ा हुआ है। उसके बाद 1876 से 1880 तक जैना लॉर्ड कैनिंगम के द्वारा ही मंदिर को रिकंस्ट्रक्शन करवाए गए, दोबारा बनवाए गए। 4 साल लगे इसे बनवाने में। यहाँ पे 2 धर्म की मंदिर है अंदर में, एक सनातन धर्म की मंदिर है हिंदू धर्म का, और एक बौद्ध धर्म की मंदिर है। सनातन धर्म वाले मंदिर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर है, बाहर में भगवान बुद्ध का फुटप्रिंट रखा हुआ है, जो कल्पना करके सम्राट अशोक जी ने बनाया है। सनातन धर्म कहाँ पर है? ये वाले, हाँ। और उसके बगल वाले रूम में 5 पांडव की मूर्ति है, उसके बगल वाले रूम में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, और बगल में आदि शंकराचार्य के दोनों शिष्य हैं, चेतन गिरी, महादेव गिरी। यहाँ पर हिंदुओं के बाबा, ब्राह्मण लोग के द्वारा पूजा की जाती है। ये नीचे में जो ये देख रहे हैं, हाँ, ये मतलब मंदिर है, ये दूसरा, हाँ, हिंदू टेंपल है, हाँ। अच्छा। और इसके आगे का जो मंदिर देखेंगे वो भगवान बुद्ध की मंदिर है, 2300 साल पुरानी है। वहाँ पे गुरु जी लोग, भंते जी लोग पूजा करते हैं। अंदर में एक 8 फुट की स्टैचू है भगवान बुद्ध की, वो स्टैचू 1000 साल पुराना है। आज से 1000 साल पहले पाल वंश के राजा आए थे बंगाल के महीपाल, उन्होंने उस स्टैचू को बनवाया था, जो ओरिजिनल काले पत्थर की है, गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ है। 93 में जो मेन स्टैचू, हाँ जी, 93 में उसे पेंट करा दी गई थी, लेकिन अब प्रत्येक ईयर तो पेंट होते रहती है। उनके फोरहेड में, ललाट में एक डायमंड लगा हुआ है, जो डायमंड को बर्मा के राजा ने दान में दिया था 1990 में। अब मैं भगवान बुद्ध के बारे में बताऊँगा। ये जो बोधगया शहर है ना, जिसे अभी हम लोग प्रजेंट में बोधगया के नाम से जानते हैं, ये भगवान बुद्ध के नाम पर बसाया हुआ शहर है, क्योंकि इस जगह में उन्हें बुद्धि मिली थी, ज्ञान मिला था, नॉलेज मिली थी, इसलिए शहर का नाम बोधगया है। लेकिन जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ पर आए थे, आज से 2600 साल पहले, 600 BC में, ये जगह का नाम बोधगया नहीं था, ये उर्विला फॉरेस्ट थे, उर्विला जंगल, उर्विला फॉरेस्ट, हाँ। उर का मतलब बालू और विला का मतलब किनारा। तो बगल में फल्गु नदी बहने के कारण
इस जगह का नाम उर्वेला जंगल था नदी के किनारे होने के कारण, पूरा फॉरेस्ट था। हाँ, तो इस जंगल में राजकुमार सिद्धार्थ ने 7 जगहों में ध्यान किए थे एक एक सप्ताह करके, 7 वीक्स 49 डेज, और इसके बाद वो सारनाथ चले गए थे जहाँ पर पहला उपदेश दिया। तो 7 सप्ताह में इम्पोर्टेंट है, पहला सप्ताह मंदिर के पीछे बौद्ध ट्री जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिली। टोटल कितने दिनों ने मेडिटेशन किया था यहाँ पे? 7 सप्ताह से। 7 सप्ताह वो 7 सप्ताह में, पहला सप्ताह इम्पोर्टेंट है मंदिर के पीछे बौद्ध ट्री जहाँ से उनको ज्ञान मिली। ज्ञान मिलने के बाद 3 सप्ताह अलग अलग जगहों में ध्यान किया, जिसे मैं 2 सप्ताह से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो छोटी सी मंदिर देख रहा है ना? अच्छा, ये सामने में। हाँ, वो 1885 की बनी हुई मंदिर है, उसमें उनके माता जी का एक भगवान बुद्ध के पिक्चर बना हुआ है, महामाया देवी का। वो मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है, छोटी छोटी उसमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जगह का नाम वो अनिमेष लोचन है। अनिमेष एक पाली वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिना पलक गिरा हुए, विदाउट ब्लिंकिंग आइज। तो जब वो दूसरे सप्ताह वहाँ ध्यान में थे ना, तो 1 सप्ताह रात और दिन बिना पलक को गिराए हुए एक तक वो बौद्धि वृक्ष को देखते रह गए थे और चिंतित थे कि ऐसा क्या है इस वृक्ष में कि मैंने जंगल जंगल यहाँ वहाँ रुककर इतने साल ध्यान किया फिर भी मुझे ज्ञान हासिल नहीं हुई, लेकिन इस वृक्ष के नीचे आते ही हमें ज्ञान मिल गया। तो वो दूसरा सप्ताह है, जगह का नाम अनिमेष लोचन। नीचे में एक बोर्ड लगी हुई है अज्यपाल निग्रोध ट्री का, बनियान ट्री का, बट ब्रिज का। तो वो 5वां सप्ताह है, 2600 साल पहले वहाँ पर एक बट ब्रिज था, बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जब 5वें सप्ताह ध्यान में थे, तो कुछ अज का मतलब होता है बकरा और पाल का मतलब पालने वाला, गरेरिया। निग्रोध एक पाली वर्ड है, इसका मतलब बैनियन क्यूट है। तो बकरे पालने वाले को कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे ना, उपदेश की बातें बता रहे थे, तो ये मगध रास्ते एक ब्राह्मणों की टोली जा रही थी। ब्राह्मणों ने सब कह दिए कि मैं ऊँची जाति का हूँ, आप लोग नीची जाति के हैं। तो उनके प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध ने बोला था, मनुष्य जन्म से नहीं वह कर्म से ब्राह्मण होते हैं। भगवान वो बरगद का पेड़ तो आंधी तूफान से गिर गया, लेकिन उस पेड़ को याद करने के लिए 300 साल बाद उसी जगह पे सम्राट अशोक जी ने एक पिलर का निर्माण करा दिया, जो कि आगे का उसका पिलर 2300 साल पुराना। ये जो देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है, जो 100 फुट की थी, 85 फीट को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं 1205 AD में मोहम्मद खिलजी ने। टूटा हुआ भाग को कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में रखी गई और सारनाथ में रखी गई, ऊपर का 4 हेडलाइन। ये 6ठा सप्ताह है, जगह का नाम है मुचलिंद सरोवर। इस जगह पर भगवान बुद्ध ने जब 6ठे सप्ताह ध्यान किए थे ना, तो अचानक आंधी तूफान और पानी आ गए थे। तो नाग वंश के राजा थे मुचलिंद, उन्होंने इस जगह पर उनकी सहायता की थी, इसलिए इस जगह का नाम मुचलिंद सरोवर रख दिया गया। आर्य मूर्ति राजकुमार सिद्धार्थ की है, बचपन में नाम इनका सिद्धार्थ था, कपिला वस्तु के राजकुमार हुआ करते थे ये। लुम्बिनी नेपाल में इनकी जन्म हुई थी। माता जी का नाम महामाया देवी, पिताजी का नाम सुद्धोधर, पुत्र राहुल, पत्नी यशोद्रा, लेकिन सारे को छोड़कर इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। तो ये मूर्ति राजकुमार सिद्धार्थ की है, ओरिजिनल काला पत्थर है, गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ है, खुदाई में मिलने के बाद इस जगह में लगा दी गई है, भूमि स्पर्श मुद्रा में बनाई हुई है। अब ये बन्नू कट्टी के लोगों का पूजा चल रहा है, और इधर में आपका ये 7वां सप्ताह है। इस जगह का नाम है राजतना, एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री। तो कैंपस के अंदर जो पेड़ है ना, उस पेड़ को राजतना का नाम दिया गया, हिंदी में जंगली पेड़ कहते हैं इसे। ज्ञान मिलने के बाद जब भगवान बुद्ध यहाँ पर 7वें सप्ताह ध्यान में थे ना, तो यहाँ पे वर्मा देश का 2 व्यापारी आए थे, एक का नाम तपस्यु था, दूसरे का नाम मल्लिक था, दोनों भाई थे। व्यापारियों ने जब इस उर्वेला जंगल में उन्हें ध्यान करते देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि उनके शरीर का पूरा डाटा दिखाई देता था। तो उन्होंने कुछ खाने पीने की वस्तु अपने साथ में लाए थे, चावल का लड्डू, गुड़, आनी मट्ठा वगैरह, जो उनके सामने ऑफर किया, उनका ऑफर स्वीकार करते हुए उनका खाना खाए। तो उन्हें भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ देता, लेकिन देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, सारी सुख संपत्ति छोड़कर उन्हें घर का त्याग कर दिया था। तो उन्होंने अपने सर का थोड़ा बाल और नाखून कटवाकर दोनों व्यापारियों को दान में दिया था, जिसे व्यापारियों ने बाद में ले जाकर वर्मा में रखवा दिया, जो वर्मा के बौद्ध विहार में आज भी रखे हुए हैं। और 2 मंत्र का उच्चारण किए थे यहाँ पर भगवान बुद्ध ने, एक बुद्धम शरणम गच्छामि और दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध का ये नहीं कहना था कि आप लोग मेरी शरण में चले, उन्होंने कहा था कि बुद्धि की शरण में चले, जहाँ पे बुद्धि मिल रही हो, ज्ञान मिल रहा हो। और धम्म का मतलब होता है प्रचार, तो धर्म के प्रचार के रास्ते में चले, इसे और फैला। संगम शरणम गच्छामि का उपदेश उन्होंने यहाँ नहीं, सारनाथ में दिया था, 1 साल बना। नेक्स्ट मैं 1st वीक चल रहा हूँ बौद्धि थी, जहाँ तो उनको ज्ञान।
ये बोधि वृक्ष है जहाँ से उनको ज्ञान मिली थी राजकुमार सिद्धार्थ को, लेकिन ये पहले से ओरिजिनल है जहाँ से उनको ज्ञान मिली थी और पेड़ बदल गए हैं। ये पेड़ जो देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन की पेड़ है, चौथी वंशज का चौथा पेड़ है। श्रीलंका से लाया गया। पहले पेड़ को राजा अशोक की पत्नी त्रिशता ने कटवा दिए क्योंकि वह बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी, वो जैन धर्म को मानती थी। जब रूट से दूसरा पेड़ निकला तो बंगाल के राजा शेषांक ने कटवा दिए, वो भी बौद्ध धर्म नहीं मानते थे, वो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानते थे। तीसरा पेड़ आंधी और तूफान से जड़ से नष्ट हो गई। ये चौथा पेड़ है जिसे 1880 में जैन लॉर्ड कैनिंगम ने लगवाए हैं, एक यहाँ पहला बोधगया में और दूसरा सारनाथ बनारस में। रूट इसकी ओरिजिनल है, यहाँ से कुछ रूट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगीता के द्वारा अलग अलग कैंटीन में ले गए थे प्रचार करने के लिए। एक रूट तो श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाई गई, जो पेड़ आज भी है 2300 सालों से मौजूद। तो यहाँ से पेड़ रूट वहाँ गया था और वहाँ से रूट यहाँ आया, लेकिन वो आसन आज भी है जहाँ पर बैठे थे राजकुमार सिद्धार्थ ने। इस कैंपस के अंदर सोने के मंडप के नीचे रखी हुई है, वो सोने का मंडप श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास ने दान में दिए हैं। एक और हम लोग आगे और ये जगह पे भगवान बुद्ध ने तीसरे सप्ताह ध्यान किया था, थर्ड वीक। जगह का नाम है चक्रमण पैलेस। चक्रमण एक पाली वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉकिंग मेडिटेशन, चलते हुए ध्यान करना। तो जब भगवान बुद्ध ने यहाँ पर तीसरे सप्ताह चलते हुए ध्यान कर रहे थे तो 11 स्टेप अप होते थे, 11 स्टेप डाउन होते थे, 11 कदम आगे जाते थे, 11 कदम पुनः पीछे लौट आते थे। इस दौरान जहाँ जहाँ धरती पर उनका पाँव पड़ा था वहाँ वहाँ धरती के नीचे से मिट्टी हटकर कमल का चिन्ह बनने लगते थे। तो वो कमल का चिन्ह तो नहीं रह पाए, लेकिन उसी जगह पर उसे इंडिकेट करने के लिए 300 साल बाद राजा अशोक ने पत्थर पे कमल का चिन्ह बनवा के रखवा दिए, जो कि यह पत्थर 2300 साल पुरानी है। बीच में इसे डिस्ट्रॉयड कर दिया गया 1205 AD में खिलजी के द्वारा, तो इसकी कॉपी की है 1880 में जनरल लॉर्ड कैनिंगम ने 19 स्टेप में ओरिजिनल ही है। हाँ। और ये फूलों का डेकोरेशन जो है वो पर्दे अभी चेंज हो जाते हैं सीजन में, कमल का फूल का बहुत महत्व है यहाँ पर, इसीलिए पर्दे कमल का फूल चढ़ाया जाता है। अरे फोर्थ वीक है, चौथा सप्ताह। इस जगह में भगवान बुद्ध ने चौथे सप्ताह ध्यान किया थे। नाम क्या है इसका? रतनगढ़। जब वो चौथे सप्ताह यहाँ ध्यान कर रहे थे ना, तो उनके बॉडी से 5 कलर का लाइट निकला था, प्रकाश निकला था, ऑरेंज, येल्लो, ब्लू, रेड और वाइट। ये जो फ्लैग देख रहे हैं ना, फ्लैग में जो कलर है ना 5, वो कलर इनकी बॉडी से यहीं से निकले थे, जिसे पंचशील फ्लैग कहते हैं और बौद्धिक फ्लैग कहते हैं। तो पंच का मतलब होते हैं 5 और शील का मतलब होते हैं रूल, नियम, इंडिकेट्स करते हैं 5 कलर। जीव हत्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करना है, व्यवचारी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और नशा नहीं करना है। और इधर में राजकुमार सिद्धार्थ के जीवनी से कुछ स्टैचू बना दिए गए हैं, जैसे जैसे उनके जीवन में घटनाएं। राजा जी का रिक्शा में हम लोग सवारी करें।
यहाँ से कितना दूर है भैया? मेन टेम्पल? नहीं नहीं मेन टेम्पल नहीं, जो स्लीपिंग बुद्धा जो बना 3 किलोमीटर। 100 फीट का ये मूर्ति है, कितना बड़ा है। 100 फीट लंबा है। इतना बड़ा है कि फ्रेम में ही नहीं आ रहा, मतलब एक बार में पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा।